प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज रांची में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन के कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वर्ष 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार रहे। स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों में देश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति से संपर्क करके प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को बताना है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में नई सरकार बनाना है। इसके साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में सरकार के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता का भरोसा वर्तमान राज्य सरकार ने खो दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को भाजपा पर भरोसा है और यह भरोसा आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में परिणाम के रूप में सामने दिखाई देगा। उस सरकार के सहपाठी आप सब जान रहे हैं कौन है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। और जिस प्रकार से आज देश में जिन लोगों ने लूटा उन सारे लोगों का जैसे एक जमावड़ा हो रहा है, लुटेरों का मामले, डकैतों का कोई गठबंधन हो रहा है, तो हम सब लोगों के सामने बड़ी चैलेंज। और उस संघर्ष के लिए अपने कार्यकर्ता को बिल्कुल आप तैयार होना पड़ेगा। आप सबने देखा भरवाल में अभी जो चुनाव हुआ, क्या हुआ घटना, जो लोग उन लोगों ने जो रोज कहते हैं, पूरे देश नहीं छोड़ दीजिए, दुनिया में घूम घूम करके कहते कभी लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो वास्तव में आज जो लोग एक साथ मिल करके बैठ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। आज बंगाल में चुनाव हुआ पंचायत की, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड इस विषम परिस्थिति में जीत हासिल किया है। वहां के मैं उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जो लोगों की चुनाव के समय मृत्यु हुई उनके प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके परिवार में क्या गुजरा हो रहा है आप समझ सकते हो, लेकिन आप जानते हो जहां बंगाल में जब भी चुनाव हुआ तभी वहां हिंसा हुई है, कोई भी एक चुनाव ऐसा नहीं है, लेकिन आज वो सारे लोग मिल बैठ करके उसकी कोई भर्त्सना तक नहीं करते। आपने देखा दो दिन पहले बिहार में क्या हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से कहीं कोई लाठी डंडा नहीं था, आज तो आप देखते हो जुलूस कैसे निकलता है, सब टीवी में दिखाई पड़ता है, ना कोई पत्थर चला रहा था ना कोई लाठी चला रहा था। और जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ और उसके बाद अपने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की मौत हुई है, मृत्यु हुई है, मार दिया गया, मैं इसलिए इस बात को यहां उल्लेख कर रहा हूं, झारखंड में भी जो सरकार है, जो सत्ता है, ये कोई भीम नहीं है। और इसलिए हम सब लोगों को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा संघर्ष करने के लिए। आपने देखा पिछले दिनों क्या हुआ, 3-4 दिनों की घटना हम लोग बाहर थे उसी समय देखे, चाहे गढ़वा की घटना हो, चाहे वो धनबाद की घटना हो, चाहे कुंडी की घटना हो, यानी घटनाओं का अगर आप फेहरिस्त देखेंगे तो वो लंबी फेहरिस्त। और सावन के महीना बड़ा सुहावना होता है, इसके बारे में बहुत सारे गीत संगीत के लोग गाते रहे हमारे उनके लोगों ने, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि देव आदि देव महादेव जी का यह महीना है पूरा। अब सावन को इसलिए भी इतना प्यारा महीना है, इसको लोग करते हैं इसके कि सारे किसान किस प्रकार से प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि मौसम है खेती बाड़ी का, और जितना भी कल्चर होता है दुनिया में जो विकसित किया है उस कल्चर के मूल में एग्रीकल्चर, यानी ये जो खेती बाड़ी जिसको कहते हैं उसी का मांस है, उसी का ये मंत्र है, तो ये आप समझ सकते हो। इसमें जो जितना किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है और फिर उससे जो उत्पादन होता है, तो उसमें मनुष्य नहीं बल्कि तरह तरह में जितना भी जीव जगत है सबका पोषण भी, कोयला है, बालू है, पत्थर है, जितने भी खनिज है वो लूटने का काम किया, और सिर्फ यहां तक कि जमीनों को भी लूटने का काम किया।
आज भी आप लगातार देखते होंगे क्या हो रहा है, आप सब अनुभव करते हैं। करप्शन ये हालत है जहां आम लोगों से जुड़ा हुआ जो करप्शन का मामला है वो अंचलों में है, थाना में, ब्लॉक में वो दिखाई पड़ता है। तो हमें इन सारी चीजों को लेकर के भी हमें और एक विषय में और कहूंगा कार्यकर्ता बंधुओं से, हम सब आंदोलन भी कर रहे, हम लोगों ने कहा है कोरोना काल में सेवा ही संगठन है, तो हम सब लोग सेवा का भी काम करें। और सेवा का काम मेरा कोई बहुत बड़ा मैं नहीं कह रहा, आप जेब से पैसा लगाओ, आपके पास नहीं है तो काम से लगाओ, लेकिन जैसे सरकारी योजना का जो जरूरतमंद को कैसे मिले उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत से जरूरतमंद है जो पेंशन के हकदार है लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं उसके लिए आप प्रयास करिए। आप जानते हैं बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए, तो उनको वो कार्ड बने उसके लिए आप प्रयास कर दीजिए। बहुत से जरूरतमंद लोग हैं, आपको पता है कि उनको राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है। बहुत से विकलांग है, उनको पता नहीं कि क्या सिविल सर्जन का कब सर्टिफिकेट बनता है। आप अपने मित्रों को गाड़ी में लेकर के घूमते ही हैं, तो एक उनको भी मित्र बना लीजिए। और कभी गाड़ी में आप लेकर के जाएंगे और सिविल सर्जन के हम लोग क्या करते हैं सर्टिफिकेट भी जल्दी बना।